बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। और नूर और नार में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, अल्फाज तो सेम ही हैं। एक अलिफ का फर्क आपको नजर आता है, नार के अंदर अलिफ खड़ा है और नूर में वाव है। असल में ये वाव असल में वही अलिफ ही है। अल्लाह अकबर, अहले दिल क्या बात फरमाते हैं। फिर कहता है नार का जो अलिफ खड़ा है ये तकब्बुर के साथ खड़ा है। फरमाया कि जब इंसान अपने तकब्बुर को तोड़े, मुजाहदात के साथ, रियाजात के साथ, अपने पीरो मुर्शद की सोबत में बैठ के, ला इला इल्ला की जरबे लगा के, जब ये मुजाहदे करके और रोजे रख के खुदा की इबादत में झुक के जब अपने नार के इस अलिफ के तकब्बुर को तोड़ता है, मोड़ता है, जब मुजाहदे के हथौड़े उस पर पड़ते हैं तो ये अलिफ मुड़कर वाव बन जाता है। वह के मुजाहदों के बाद अल्लाह का नूर मिल जाता है। अल्लाह अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाए बस असल में मुजाहदा रियाजत और ये इबादतें, फरमाए यही वो मुजाहदा हैं। कभी सजदे में गिरते हैं, कभी रुकू में झुकते हैं, कभी सुभान अल्लाह करते हैं, कभी भूखे प्यासे रोजा रख के खुदा को याद करते हैं, कभी ज़कातें बांट के अल्लाह को राजी करते हैं, कभी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगाते अल्लाह के घर की इज्जत दौड़ते हैं। ये वो इबादत के मुजाहदे हैं जो असल में नार का जो अलिफ है उस अलिफ के ऊपर जब पढ़ते रहते हैं यहाँ तक कि वो मुड़ के वाव बन जाता है। वह है कि वह जो बासिर की नार थी वो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का नूर बन जाता है।